हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एरोप्लेन्स के बारे में, जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जहां कई तरह की बातों में तो रेस लगी होती है, जैसे कौन से जहाज सबसे तेज उड़ सकते हैं या फिर कौन से जहाज सबसे ज़्यादा लोगों को लेकर उड़ सकता है। ऐसे और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जो आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगे। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। जब 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स के द्वारा एरोप्लेन का निर्माण किया गया, तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके द्वारा बनाए गए जहाज ऐसा रूप ले लेंगे, जैसे X-15, SR-71 ब्लैकबर्ड। ऐसे और भी बहुत से जहाज जिन्हें हम कंपेयर करके आपको बताएंगे उनकी अनोखी खूबी को। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट X-15 की। तो ये जहाज सबसे तेज उड़ने वाला क्रूड एयरक्राफ्ट है, जिसने अब तक सबसे तेज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है, जिसकी स्पीड थी 6.7 मैक। जो लोग नहीं जानते कि 6.7 मैक कितनी स्पीड होती है, तो जानकारी के लिए मैं उन्हें बता दूं कि मैक साउंड की स्पीड को मेजर करने की एक यूनिट है। मानो जैसे आमने सामने बैठे दो लोग बातें कर रहे हों और उनकी बातों की आवाज़ जितनी स्पीड से एक दूसरे के कानों में जा रही हो, उतनी स्पीड से ये जहाज उड़ सकता है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये स्पीड कितनी होगी? आंसर इज 7274 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस जहाज में एक कमी है, और वो ये कि ये जहाज यानी X-15 खुद टेक ऑफ नहीं कर सकता। इसे उड़ाने के लिए एक मदरशिप इसके साथ जोड़ा जाता है, जो इसे ऊंचाई पर ले जाकर इसे लॉन्च करता है। और ये जहाज इतनी स्पीड से इसलिए उड़ पाता है क्योंकि इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, और इसीलिए इसे रॉकेट प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं SR-71 ब्लैक बर्ड। क्योंकि X-15 को मदरशिप की हेल्प से ऊंचाई में ले जाकर लॉन्च किया जाता था, इसीलिए इस जहाज को ऐसे बनाया गया है जिससे कि ये धरती से ही टेक ऑफ कर सके बिना किसी मदरशिप की हेल्प के। लेकिन ऐसा होने की वजह से ये प्लेन X-15 की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उड़ते समय इसका सरफेस 500 से लेकर 1000 डिग्री तक गर्म हो जाता है, और इसकी गर्माहट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस प्लेन के सरफेस से कनेक्टेड छोटे पार्ट्स गर्मी के कारण एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्लेन में फ्यूल लीकेज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली है। और इस जहाज की जो टॉप स्पीड है वह 3529 किलोमीटर पर आवर। ये हुई जेट एरोप्लेन की बात, पर एक पैसेंजर प्लेन को उड़ाने की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? जवाब है लगभग 575 माइल्स पर आवर। लेकिन बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर, जो कि एक पैसेंजर प्लेन है, और इस एरोप्लेन ने 2018 में 575 माइल पर आवर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 776 माइल्स पर आवर का एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इस प्लेन ने न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी मात्र 5 घंटे 13 मिनट में तय कर ली थी। अगर इस जहाज की टॉप स्पीड की बात की जाए तो इसकी टॉप स्पीड है 954 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फरवरी 2020 में ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इसकी स्पीड 825 माइल्स पर आवर थी, जिसमें बोइंग 747 ने न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी मात्र 4 घंटे 56 मिनट में तय कर ली, जहां बोइंग 787-9 को पहुंचने के लिए 2 घंटे 13 मिनट लगे थे। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि एरोप्लेन्स में उसकी विंग्स का कितना बड़ा रोल है। बिना विंग्स के कोई भी जहाज उड़ाना नामुमकिन है, इसीलिए जहाजों में बड़े बड़े विंग्स का यूज किया जाता है। लेकिन जेट एरोप्लेन में तो विंग्स काफी छोटे छोटे होते हैं, तो फिर वो कैसे उड़ते हैं? और सिर्फ उड़ते ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े विंग्स वाले एरोप्लेन से कई गुना ज्यादा स्पीड से उड़ते हैं। इसका जवाब है रॉकेट इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्यादातर जेट एरोप्लेन में रॉकेट इंजन लगा हुआ होता है, जो इन एरोप्लेन्स को कॉमर्शियल और पैसेंजर प्लेन से कई गुना ज्यादा स्पीड देता है, जो हवा में छोटे विंग्स के साथ भी काफी ऊंचाई और काफी तेजी से उड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
किन प्लेन्स में रॉकेट इंजन लगा है तो इन्हें विंग्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा प्लेन को बिना विंग्स के उड़ाना नामुमकिन है। ऐसा सिर्फ फिलहाल के लिए, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी रोज अपडेट होती जा रही है। क्या पता फ्यूचर में बिना विंग्स के भी एरोप्लेन्स हमें देखने को मिल जाए। खैर, हम बात कर रहे थे विंग्स की, तो चलिए जानते हैं ये विंग्स प्लेन को उड़ाने में कैसे हेल्प करती है, जिसमें विंग्स का ये कर्व डिजाइन प्लेन को उड़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कर्व कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि हवा विंग से टकराए बिना ही ऊपर और नीचे की साइड से पास हो जाती है। और मॉडर्न प्लेन्स की विंग्स में मूवेबल पार्ट्स भी होते हैं जो पायलट अपनी जरूरत के हिसाब से मूव करते हैं, जो कि प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक जाना वर्ल्ड के फास्टेस्ट प्लेन्स के बारे में, पर अब हम बात करेंगे सबसे स्लोवेस्ट प्लेन्स के बारे में। इतना स्लो कि एक ओलंपिक एथलीट उन प्लेन्स की स्पीड को दौड़कर तय कर सकता है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्लेन को उड़ने में जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है उस स्पीड को स्टॉल स्पीड कहते हैं, और ये स्पीड जहाज के साइज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक जहाज ऐसा भी है जो बिना स्टॉल स्पीड के भी उड़ सकता है, और उस जहाज का नाम है एंटोनोव AN-2, जिसमें स्टॉल स्पीड न होने की वजह से इस जहाज में दोनों तरफ से उड़ने की काबिलियत है, यानी ये आगे और पीछे दोनों ही तरफ उड़ सकता है। और इस प्लेन में स्टॉल स्पीड न होने का कारण इसकी पंखुड़ियां हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमती है। इस प्लेन की एक और खास बात है, और वो ये कि यह जहाज इंजन फेल होने के बाद भी धरती पर इतना स्लो गिरता है मानो जैसे पैराशूट उतर रहा हो। पर जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं सबसे स्लोवेस्ट प्लेन की, तो इसमें सबसे ऊपर रैंक करने वाले प्लेन का नाम है गोसैमर अल्बाट्रॉस, जिसकी टॉप स्पीड है 18 माइल पर आवर यानी लगभग 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पर स्लोवेस्ट प्लेन आता है वो है मोटर प्लेन, जिसमें छोटी सी लाइट वेट मोटर लगी होती है जिसका नाम है ब्लूप 3, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 25 माइल्स पर आवर यानी लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात जब स्लोवेस्ट स्पीड की हो रही है तो जेट एरोप्लेन भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने से कैसे रह सकते हैं? यस माय फ्रेंड्स, PZLM-15 नाम का ये जेट एरोप्लेन सबसे स्लोवेस्ट जेट एरोप्लेन है, जिसकी टॉप स्पीड है 120 माइल्स पर आवर, जो कि स्लोवेस्ट जेट एरोप्लेन की लिस्ट में रिकॉर्ड होल्डर है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना सबसे तेज और सबसे स्लो एरोप्लेन के बारे में, पर अब हम जानेंगे आकार में सबसे बड़े और वजन में सबसे भारी एरोप्लेन के बारे में, जिसका नाम है AN-225 Mriya, जो कि इतना बड़ा है कि इसके विंग्स लगभग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, और इसकी ऊंचाई 6 मंजिल जितनी ऊंची और वजन 2,85,000 किलोग्राम है। आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। और ये सिर्फ देखने में ही बड़ा नहीं, इसमें काबिलियत भी इसके विशाल आकार जैसी ही है, क्योंकि ये 560,000 पाउंड तक का लोड लेकर आसानी से उड़ सकता है, जो कि एक कार्गो शिप की लोडिंग के बराबर है। अब ये जहाज इतना बड़ा है तो ये एक या दो इंजन से कहाँ उड़ने वाला है, इसीलिए इस जहाज को टेक ऑफ करने में 6 Progress D-18D इंजन की पावर लगती है, जहाँ रनवे पर दौड़ने के लिए ये जहाज यूज करता है 32 पहिए का यानी 32 व्हील्स का। है ना एक अमेजिंग जहाज। पर अब आप इसे देखिए, ये भी कम अमेजिंग नहीं है, यह अब तक की सबसे बड़ी पंखुड़ियों वाला जहाज है। और इस मॉडल के सभी जहाजों को स्ट्रेटो लॉन्च प्लेन कहा जाता है, और इसके विंग्स की जो लंबाई है वो है 385 फीट, और जैसा कि आप देख पा रहे हो देखने में लग रहा है जैसे ये दो जहाजों को जोड़कर बनाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बड़े विंग्स होने की ही वजह से इसमें दो फ्यूजलेक्स बनाए गए हैं, यानी इसमें पैसेंजर दोनों तरफ बैठ सकते हैं। लेकिन ज्यादा लोगों को बैठाने के मामले में पहले नंबर पर आता है बोइंग 747-8 का नाम, जिसमें एक बार में 853 लोगों को बैठाकर उड़ने की क्षमता है, जिसकी लंबाई है 76 मीटर और विंग्स की चौड़ाई है 68 मीटर और इसकी टॉप स्पीड है 988 किलोमीटर पर आवर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई
तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से जरूर शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।